खोदते रहो खोदते रहो। एक बार यूटेनियम मिल गया तो मैं वीर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। बॉस बॉस, ये यूटेनियम नाम का मेटल आप कब से ढूंढ रहे हो? आज तक तो मिला नहीं। बॉस बॉस, ये जो जिन का चिराग हाथ लगा है, अगर इसमें से जिन निकल आए तो हमें किसी यूटेनियम की जरूरत नहीं। जिन का चिराग, अब मैं एक जिन का मालिक बनूंगा। अब वीर नहीं बचेगा, मेरे पास जिन होगा, मेरा अपना जिन जो मेरा हुक्म मानेगा। लाओ चिराग दो, चिराग दो, मैं इसे रगड़ के जिन निकालूंगा। बॉस, इस पे मिट्टी लगी है, मैं साफ कर देता हूँ वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। टिकी टाका टिकी टाका टिकी टाका, तुम हो मेरे आका, तुम हो मेरे आका। नहीं, यू फूल, बेवकूफ, तुमने लैंप रगड़ के खुद जिन निकाल लिया। इसे बताओ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरी बात माने। जिन भाई, ये मेरे बॉस हैं, ये बहुत अकलमंद हैं, बहुत बहादुर हैं और बहुत ही वीर हैं। ओके, अब वीर की बारी है। टिम्बक्तु, जिन को ऑर्डर करो कि वीर को पटक पटक के मारे। ओके, जिन वीर को पटक पटक के मारो। जो हुकुम मेरा था। टिम्बक्तु, ये मुझे क्यों मार रहा है? बना बचाओ। आका, आपने ही कहा था कि ये बहुत बहादुर हैं, बहुत वीर हैं, तो मैं तो वीर को ही मार रहा हूँ। ये तुम्हारा जिन भी तुम्हारी तरह है। टिम्बक्तु, जिन को कहो मुझ जैसे 10 रोबोट मैड मैक्स बना दो, जिनमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली रोबोट्स की पावर्स हो, और वैसी ही पावर्स मुझ में भी हो जाए, ताकि मैं अपने हाथों से वीर को खत्म कर सकूं। मेरे जिन, इनकी इच्छा पूरी करो। जो हुकुम मेरे आका। चिकी चिकी चाका चिकी चिकी चाका, तुम्हारी इच्छा पूरी हो मेरे आका। बॉस बॉस, असली कौन और रोबोट कौन मैं पहचान नहीं पा रहा। ये रेड स्कार्फ पहने हुए मैं हूँ और बाकी मेरे रोबोट। वीर, आई एम कमिंग। लो बच्चों, सबके लिए गाजर का हलवा, चाट और खीर। हाँ दादाजी। हाँ हाँ, मुझे भी दीजिए। बहुत लगी है। अरे, ये वीर कहाँ गया? दादाजी, मैं यहाँ हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबोबॉय, बड़े आलसी हो गए हो तुम। इतनी देर कर दी आने में, कार हमारे ऊपर गिर जाती तो। ठीक से काम किया करो। ओए तू घर चल, उसको थैंक्स बोलने के बजाय उस पे गुस्सा कर रहा है। थैंक यू रोबोबॉय, थैंक यू। इसकी बात का बुरा मत मान। फुर्सतगंज के निवासियों, बुलाओ अपने रोबोबॉय को। वो कहाँ है आज? सामने क्यों नहीं आ रहा? 10 मैड मैक्स, ये कहाँ से आ गए? वीर, वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज मैं तुमसे बाहर शक्तिशाली हूँ। आज पहला बार मैं नहीं, तुम करोगे।
चलो मुझ पे वार करो वीर, वार करो। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। वीर, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। मेरे जिन, सारे मैड मैक्स को ठीक कर दो। टिम्बकटू के पास जिन, ये कहाँ से आ गया? अब मेरी बारी है वीर, मेरी बारी। टिम्बकटू को जिन कहाँ से मिल गया? मैंने जो जिन का चिराग फेंका था वो ही उसे मिल गया होगा। तुम भी ना चिंटू, अब जाओ वीर की मदद करो। ओह तेरी की, ये भी जिन है, इसे रोकना होगा। ठीक है चिंटू, तुम वीर की मदद करने गए तो मेरा जिन यहाँ तुम्हारे बाकी दोस्तों को खत्म कर देगा। इन्हें बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। वीर, अब मैं देखता हूँ तुम इन लोगों को कैसे बचाते हो। इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। वीर, टिम्बकटू की जीन को मैं देख लूंगी, तुम मैड मैक्स को संभालो। ओके इमली। टिम्बकटू, तुम अपने जीन से हमें मत डराओ। मेरा जिंटू तुम्हारे जीन से ज्यादा शक्तिशाली है, देखो ये कितना बड़ा हो सकता है। मैं भी हो सकता हूँ। मेरा जिंटू एकदम छोटा होके एक बॉटल में भी जा सकता है। मैं भी जा सकता हूँ। देखा, मेरा जिन भी चला गया। हाँ, वो तो चला गया। जिंटू, इसे अब इसके जिन लोक में भेज दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। रुको, चीटिंग चीटिंग है बॉस, इन्होंने मुझे उल्लू बनाया। बॉस बॉस बॉस, अब लड़ना बंद करो और भागने की तैयारी करो बॉस। मैं ठीक हूँ दादाजी। वीर, उस जिन को जिंटू ने गायब कर दिया है। ऑल द बेस्ट, मैड मैक्स को अच्छा सबक सिखाना। थैंक्स इमली, थैंक्स जिंटू। मैं जाके वीर की मदद करता हूँ। नहीं जिंटू, आज मैड मैक्स को पता चलना चाहिए कि उससे लड़ने के लिए वीर अकेला ही काफी है, उसे किसी जिन की जरूरत नहीं। कहा हो? मेरे रोबोट मैड मैक्स सब टूट रहे हैं। अपने जिन को भेजो मेरी मदद करने के लिए। कैसा जिन बॉस? किस जिन की बात कर रहे हो? मैं सिर्फ डस्टबिन के बारे में बात कर सकता हूँ और वो ही आपको दे सकता हूँ बॉस। Hey!
सकता हूँ। दादाजी दादाजी, आज इतनी गर्मी क्यों है? मेरा पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा। जिंटू तो घबरा के जिन लोग चला गया है। उसने कहा जब गर्मी कम हो जाए तो बुला लेना। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, देखो। आज की ब्रेकिंग न्यूज। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है। उसने अपनी दूरी पे घूमना बंद कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुरसतगंज को है, क्योंकि फुरसतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुरसतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, पर ऐसा सब कैसे हो सकता है? ये देखो बच्चों, ये अर्थ है जो अपनी धुरी पे घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमती है और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया है। अभी बताता हूँ ये कैसे हो गया। ये देखो बच्चों, ये लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग चीजों की होती है। कहीं लिक्विड है, कहीं मेटल है, कहीं रॉक्स हैं। इस तरह ये अलग अलग लेयर्स हैं जो अर्थ के कोर तक जाती हैं। सबसे सेंटर में कोर है रेड कलर का। वाव, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चों, ये है अर्थ की असली जान। यही घूमता है तो पूरी अर्थ घूमती है। पर प्रॉब्लम ये है, इसने घूमना बंद कर दिया है। इसकी वजह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट फुरसतगंज पे पड़ रही है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुरसतगंज और फिर पूरी धरती जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, हमें कुछ तो करना होगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। फुरसतगंज ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है। तुम सही कहते हो वीर, मेरे पास एक आइडिया है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वीर, तुम्हें इस मोनोकार को लेकर अर्थ के कोर पार्ट में जाना होगा। पर दादाजी, इससे अर्थ कैसे घूमेगी? जब तुम अंदर जाओगे तो इस ट्रेन को तुम्हें 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड पर चलाना होगा, जिससे इसमें से निकलने वाली लेजर रेज कोर को पुश करके घूमने के लिए एक्टिवेट कर देंगी। दादाजी, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। वीर, मैंने मोनोकार के ऑपरेशन की जानकारी तुम्हारे ब्रेन चिप में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट वीर, अपना ख्याल रखना। थैंक्स इमली चुलबुल। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अरे, कितनी बड़ी शाख है ये। चुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी वी, हम चुपचाप छुप के आए हैं। दादाजी से पूछते तो वो कभी आने नहीं देते, इसलिए हम चुपचाप तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। लेकिन इमली, यहाँ बहुत खतरा है, तुमको नहीं आना चाहिए था। वी, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने देती? हम लोग जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। हाँ, वो देखो, सी बैट नजदीक आ रहा है। मैं जमीन खोदने की लेजर्स ऑन करता हूँ। वीर, ये क्या? इमली चुलबुल कैसे आ गए तुम्हारे साथ? सॉरी दादाजी। वाह, ये है क्या? और ये जमीन के नीचे कैसे आ गई? ये बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई होंगी इमली। वीर, वीर! हाँ?
एकदम प्योर वाटर है, जरा पी के तो देखो। वाह, इतना अच्छा पानी कभी नहीं पिया। कितना ठंडा, प्योर और मीठा भी। मोनोकार तो रुक गई है। वीर, लगता है पत्थरों के टकराने से मोनोकार के सामने के वायर्स डैमेज हो गए हैं। बाहर जाके उसे चेक करके जल्दी से रिपेयर करो। ओके दादाजी, मैं चेक करता हूँ। इमली, तुम इंजन पे रहो, मैं बताता रहूँगा क्या करना है। ओके वीर। ओह, ये तो एसिड है, इससे तो आयरन भी मेल्ट हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मेरे पार्ट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। इमली, जरा ग्रीन बटन प्रेस करना। वी, जल्दी आ जाओ, इंजन स्टार्ट हो गई है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ओह इमली, तुमने ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट किया? क्या इस बटन से? तुम्हें इस लेयर में बहुत सावधानी दिखानी है, क्योंकि तुम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर ज्यादा समय लिया तो पूरी ट्रेन पिघल जाएगी। डिजेक 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 डेंचो। चुलबुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ऊपर वाले से प्रेयर कर रहा हूँ, ये मुश्किलों में काम आने वाला मंत्र है। जी, हम लोग अर्थ सेंटर कोर तक आ गए हैं। ओके वीर, अब तुमको 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। इसके लिए तुम्हें टाइम बूस्टर बटन प्रेस करना है। जितनी बार प्रेस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। बेस्ट ऑफ लक वीर। ओके दादाजी। जी, मुझे शायद स्पीड और इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं वीर, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो मोनोकार के कोचिस के टूट के बिखरने का खतरा है। दादाजी, और कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम भी कम है। नहीं वीर, नहीं। नहीं वीर, स्पीड कम करो, नहीं तो बोगी टूट कर अलग हो जाएंगी। दादाजी, हमें ये करना ही होगा, वरना ये ट्रेन मेल्ट हो जाएगी। दादाजी, सेंटर कोर घूमना शुरू हो गया है। Yes, Veer, you have done it. अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वीर, इमली, क्या हुआ? वीर, कुछ तो बोलो वीर, वीर, इमली, वीर, इम
फैमिली कुछ तो बोलो प्लीज मेरे बच्चों, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दुनिया तो बच गई पर मेरी दुनिया तो उजड़ गई। वीर, इमली, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बिना अकेले रह जाएंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा दादाजी। You're out of danger, दादाजी। Yes, yes, वीर, इमली, चुलबुल, yes। Mission accomplished. थैंक यू रोबो बॉय, आज तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके, लेकिन आगे से सड़क बहुत ध्यान से पार किया करो। सारी पानी पूरी तो गिर गई। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इका जादू है। अरे भागो, ये जादूगर है भैया, भागो। सबके सामने जादू करना जरूरी था क्या? क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। बिना चाट खाए तो मैं रह ही नहीं सकता। ओह, तो ये जिन है। अभी जाकर बॉस को बताता हूँ। अगर वो जिन नहीं हुआ तो तुम्हें ही इस बोतल में बंद कर दूंगा। बॉस, देखना वो खुद इस बोतल में जाएगा। चाट का शौकीन जो है। आज तो सबकी चाट खत्म हो गई, फिर भी मेरा पेट ही नहीं भरा। अरे ये क्या, बोतल के अंदर चाट। वाओ। I'm glad, very, very glad. बाहर निकालो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पहले मुझे अपनी पावर्स दो, वरना मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने मुझे समुद्र में फेंक दिया तो मैं हजारों साल के लिए उसी पानी में कैद हो जाऊंगा। मुझे कौन बचाएगा? इसका मतलब इसे पानी में डूबने से डर लगता है। अब इसे और डराऊंगा तो ये जरूर मेरा काम करेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर ये हमारी बात ना मानी तो इसे समंदर में फेंक देना टिम्बकटू। मैं जरा आराम करके आता हूँ। हे जिन, मेरा टिम्बकटू बहुत खतरनाक है, ये किसी पर तरस नहीं खाता। हमारी बात मान लो वरना ये तुम्हें समंदर में फेंक ही देगा। है ना टिम्बकटू? यस बॉस। बोलो, बॉस को पावर दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। तो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए पानी पानी हो जाओ।
टिम्बकटू, वो डरा? उसे बार बार पानी दिखाओ, फिर वो डरेगा और हमारी बात मानेगा। क्या कहा बॉस? उसे सिर्फ डराना था, पानी में नहीं फेंकना था। क्या? कहीं तुमने उसे पानी में तो नहीं फेंक दिया? मैंने फेंक दिया? अरे आप ही ने तो कहा था बात नहीं माने तो पानी में फेंक देना, और आप तो जानते ही हैं मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैंने किसी पे तरस नहीं खाया आज तक। दादाजी दादाजी, जिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने कई बार चुटकी बजाई लेकिन वो आता ही नहीं। चिंता मत करो वीर, मैं अपने सैटेलाइट कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करके बताता हूँ कि जिंटू कहाँ गया। ये क्या, इस प्लेन से जो बोतल फेंकी गई है उसमें जिंटू है? वो वहाँ कैसे पहुँच गया? वो देखो, प्लेन के दरवाजे से टिम्बकटू झांक रहा है। इन्होंने तो जिंटू को पानी में फेंक दिया। वीर जल्दी करो, जल्दी से जाकर जिंटू को बचाओ। अभी जाता हूँ। अंडरवाटर सूट ऑन। अंडरवाटर सूट ऑन। तो कहीं पता नहीं चल रहा है। जिंटू कहाँ हो? फिश लैंग्वेज ऑन। फिशेस लैंग्वेज ऑन। सुनो, क्या आपने एक लड़की को बॉटल में बंद यहाँ कहीं देखा? हाँ हाँ, देखा तो था, वहाँ उस शिप की तरफ जा रहा था। बॉस बॉस, वीर तो जिंटू को ढूंढने समुद्र के अंदर पहुंच गया। ये तो और भी अच्छा हुआ। अब हमने जो रोबोट्स उस जिन को ढूंढने के लिए पानी में भेजे हैं, वो वीर को खत्म कर देंगे। एक तीर दो शिकार। जाओ दुश्मन को फिनिश कर दो। आपने बताया था कि मेरा दोस्त इसी तरफ आया था, पर अब वो नहीं मिल रहा है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। Thank you.
जिंटू तुम वहीं आराम करो, मैं अभी आता हूँ। बेकार हो, किसी काम के नहीं। पकड़ो उसे और खत्म कर दो। जाओ। Yes! तुम न होते तो मैं किसी न किसी मछली के पेट में होता। यस! वीर! जल्दी आ जाओ! मैं आ चुका हूँ। चलो चलो, अब चाट खाने चलते हैं। बड़ी भूख लगी है।